नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिक्शनरीज इन पाइथन। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन सम पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ डिक्शनरीज ऑफ पाइथन। सम पार्ट्स आर लेफ्ट, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन रिमेनिंग पार्ट। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी इज ऑल्सो अ सिक्वेंस। डिक्शनरी इज म्यूटेबल लाइक लिस्ट। स्ट्रिंग एंड टपल्स आर इम्यूटेबल बट लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। अब जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो मैंने बताया था कि डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में लिखते हैं। जब हम लिस्ट लिखते हैं तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। जब हम टपल लिखते हैं तो विद इन पैरेंथेसिस लिखते हैं। और जब हम डिक्शनरी लिखते हैं, डिक्शनरी यूज करते हैं, तो विद इन कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। तो मैंने कुछ पार्ट बताया था, अब आगे देखिए क्या है। यानी कि वर्किंग विद डिक्शनरीज, हमने वर्किंग बताई थी, अब उसका तीन वर्किंग बताई थी, अब चौथा है अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। यानी कि जो पहले से एलिमेंट है, यानी की, इसमें डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू पेयर होता है। एक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, की कोलन वैल्यू, कॉमा की कोलन वैल्यू, ऐसे करके पेयर्स होते हैं। तो हम अगर अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट क्या होगा, वैल्यू, तो चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं यूजिंग की। कैसे करेंगे तो देखिए, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी। इन डिक्शनरीज द मॉडिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर। मॉडिफिकेशन और एडिशन, जब आप कोई की देते हैं वो पहले से प्रेजेंट नहीं रहती तो ऐड हो जाता है डेटा की पे। अगर पहले से प्रेजेंट है तो मॉडिफाई हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो क्या है, इन डिक्शनरीज द मॉडिफिकेशन एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर इन सिंटैक्स बट फॉर एडिशन द की मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वह उस नाम की की, क्योंकि की क्या होती है, यूनिक होनी चाहिए। की डिक्शनरी कोई एक है, उसकी सारी कीज यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए। तो अगर पहले से प्रेजेंट है तो ऐड नहीं होगा, अपडेट होगा उसका वैल्यू, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऐड होगा। तो क्या है, बट फॉर एडिशन इन द की मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी एंड फॉर अपडेशन द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उस नाम की उस डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, तब ऐड हो जाएगा वो की पेयर। और उस नाम का की पहले से प्रेजेंट है तो ऐड नहीं होगा, क्या होगा, उस की की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नई वैल्यू जो आ रही है वो आ जाएगी। वही सिंटैक्स वही है, सिंटैक्स क्या है, डिक्शनरी नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कोलन। हम देखिए, स्ट्रिंग हो चाहे टपल हो चाहे डिक्शनरी हो चाहे लिस्ट हो, स्टोर करने के लिए ब्रैकेट्स अलग अलग हैं। या जैसे स्ट्रिंग डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट में होता है, हमारा जो लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, टपल जो है पैरेंथेसिस में होता है, और डिक्शनरी जो है कर्ली ब्रेसेस में होता है। लेकिन जब हम किसी इंडेक्स की बात करते हैं, जैसे स्ट्रिंग का इंडेक्स तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, टपल का इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, लिस्ट का इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और यहाँ इंडेक्स तो होता नहीं, यहाँ क्या होता, की होता है। यहाँ इन प्लेस ऑफ इंडेक्स, जैसे वहाँ इंडेक्सिंग सिस्टम होता है, टू वे इंडेक्सिंग होता है, स्ट्रिंग में भी होता है, टपल में भी होता है, लिस्ट में भी होता है। लेकिन डिक्शनरी में कोई इंडेक्स सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सारा खेल किससे है, की से है। तो की यूज एज एन इंडेक्स, जो की यूज होती है वो इंडेक्स की तरह यूज होती है। तो जो की यूज की जाएगी वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखी जाएगी। तो यहाँ क्या है, डिक्शनरी नेम और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट की इक्वल न्यू वैल्यू। अब क्या होगा, जो नई वैल्यू हम देंगे वो, जैसे इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, डी इक्वल नेम कोलन रमेश कॉमा सैली कोलन 50,000 और एज कोलन 40। अब डी इक्वल, हमने ए कहा, एज कहा, एज इक्वल 45।
अब जब हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, एज के लिए जो पहले 40 थी वो अपडेट हो जाएगी। तो जब हम प्रिंट डी करेंगे तो जो हमारी डिक्शनरी प्रिंट होगी वो ऐसे होगी, नेम आएगा, नेम कोलन रमेश आएगा कॉमा, फिर सैली आएगी, सैली कोलन 50,000, उसके बाद एज आएगी कोलन 40 थी ये चेंज हो गई, अब क्या हो गई एज के लिए 45 हो गई, तो अब क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आएगा, यानी अपडेट हो जाएगी। क्या अपडेट होगा, एज, क्योंकि हमने यहाँ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एज लिखा है, यानी की लिखी एज की, तो एज की वैल्यू क्या है 40 है, तो अब हमने दे दिया 45, तो 40 की जगह 45 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो ये है अपडेशन यानी मॉडिफिकेशन, अपडेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एनी की। अगला क्या है, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। डिलीटिंग एलिमेंट्स कैसे करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, अगर हम चाहते हैं डिलीट करना कोई पेयर तो हम डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए देखिए क्या है, फॉर डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी वी कैन यूज इधर डेल स्टेटमेंट और पॉप आइटम फंक्शंस। तो दो फंक्शन है, पॉप और पॉप आइटम, ये फंक्शन है और डेल स्टेटमेंट है। तो अभी हम डेल की बात करेंगे और आगे इस पॉप और पॉप आइटम की बात करेंगे। तो डेल क्या करता है, डेल स्टेटमेंट, डेल स्टेटमेंट इज यूज, तीनों चीजें यूज होती हैं डिलीशन के लिए, डेल स्टेटमेंट भी यूज होता है, पॉप भी होता है और पॉप आइटम भी होता है, इनका सबका तरीका अलग अलग है, कैसे वर्क होगा इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं डेल स्टेटमेंट से। तो डेल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट और एंट्री ऑफ डिक्शनरी और डिक्शनरी विद ऑल एंट्रीज। हम डेल से एक पर्टिकुलर पेयर डिलीट कर सकते हैं, कुछ पोर्शन डिलीट कर सकते हैं, या पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं। और जब डेटा डिलीट कर, पूरा डेटा डिलीट करेंगे तो डिक्शनरी भी गायब हो जाएगी, वो एम्प्टी भी डिक्शनरी नहीं बचेगी, डिक्शनरी एम्प्टी नहीं बचेगी, अगर हम प्रिंट करेंगे तो रह जाएगी। तो जैसे देखिए अब इसका सेंटेंस क्या है, डेल डिक्शनरी नेम और यहाँ क्या होगा की, जिस डेटा जिस पेयर को डिलीट करना है उसकी की। अब दूसरा क्या है, डेल डिक्शनरी नेम केवल, अगर हम केवल डिक्शनरी नेम दे देते हैं तो पूरी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी विद एलिमेंट, पूरे एलिमेंट भी डिलीट हो जाएंगे और डिक्शनरी भी डिलीट हो जाएगी। अगर उस डिक्शनरी का नाम प्रिंट करेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि है ही नहीं, बट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो डिलीट हो चुकी। तो क्या है इसका एग्जांपल देखिए, डी इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश कॉमा सैली, हमने एक ही डिक्शनरी ली जिससे कि बार बार समझ में आ जाए, ये डिक्शनरी हमने इसलिए ज़्यादातर हमने यही डिक्शनरी यूज की है, नेम कोलन रमेश कॉमा सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40। अब जब हमने कहा डेल डी और सैली कहा, तो इसका क्या है, सैली जब हम कहा तो हम ये जो पेयर है पूरा, ये पूरा पेयर डिलीट हो जाएगा। और जब हम कहेंगे प्रिंट डी, जब प्रिंट डी कहेंगे तो हमारा आंसर आएगा कर्ली ब्रेस के अंदर नेम कोलन रमेश, सैली वाला डिलीट हो चुका है तो केवल बचेगा क्या, एज कोलन 40 ये आएगा। और जब हमने कहा, अगर हमने कहा डेल डेल डी, अब डेल डी का मतलब पूरी डी डिक्शनरी डिलीट हो गई विद एलिमेंट्स, अब हम प्रिंट अगर आगे लिख दें तो एरर आ जाएगी, क्योंकि डिलीट हो चुकी है, डी नाम की डिक्शनरी बची ही नहीं है। तो जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा कि ये डी, तो ये क्या किया, इसने पूरी डिलीट कर दिया, डिलीट डिलीट डिक्शनरी, विद एलिमेंट्स, एलिमेंट के साथ पूरी डिक्शनरी डिलीट हो गई, ये है तरीका। अब देखिए, विद डेल स्टेटमेंट द की दैट वी आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी, जो हम की लिख रहे हैं वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, वो प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो डिलीट करेगा। तो वही है, विद डेल स्टेटमेंट द की दैट वी आर गिविंग टू डिलीट मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी अदरवाइज पाइथन गिव्स की एरर एक्सेप्शन, अगर उस नाम की प्रेजेंट नहीं है जो हम दे रहे हैं, जैसे जैसे वही चीज़ होती है ना, जैसे हम लिस्ट दे रहे हैं
और लिस्ट में इंडेक्स वो प्रेजेंट ही नहीं है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, बाउंड्री के बाहर है, तो एरर आती है। वैसे ही इसमें भी है, अगर जो की हम यूज कर रहे हैं डिलीशन के लिए वो की प्रेजेंट ही नहीं है उस डिक्शनरी में, तो एक्सेप्शन आएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? की एरर एक्सेप्शन आएगा। यह तरीका। अगला क्या है? चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ की, यानी चेक करना कि ये की उसमें एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो देखिए, वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर, वी कैन यूज मेंबरशिप, दो ऑपरेटर होते हैं मेंबरशिप के, एक इन और एक नॉट इन, इन और नॉट इन दो ऑपरेटर होते हैं जिससे चेक किया जाता है। और सारे काम किससे के लिए होते हैं? की के लिए होते हैं। अगर वैल्यू के लिए होते हैं तो उसके लिए फंक्शन है। तो देखिए इसमें क्या है, वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन फॉर कीज प्रेजेंस इन अ डिक्शनरी, यानी की की बात है वैल्यू की नहीं। तो देखिए सेंटेंस क्या है इसका, की इन और नॉट इन डिक्शनरी नेम। तो यहां की लिखेंगे, इन लिखेंगे। इन क्या करेगा? चेक करेगा कि ये की प्रेजेंट है उस डिक्शनरी में कि नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और नॉट इन क्या है? अगर है तो फॉल्स, अगर नहीं है तो ट्रू। और वैल्यू नहीं, की देखेगा, वैल्यू नहीं देखेगा, की देखेगा। तो देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिखा वही, ये सिंटैक्स बताया मैंने, की इन और नॉट इन दोनों में से एक लिखा जाएगा डिक्शनरी नेम। इसका एग्जांपल देखिए, डी इक्वल टू नेम कोलन रमेश कोलन सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40, ये डिक्शनरी बनाई मैंने। फिर हमने कहा बी इक्वल नेम इन डी, तो क्या नेम नाम की इसमें है? है, ये कीज हैं, नेम की है, एक सैली की है और एज की है, तीन की हैं। जो उसके आगे जो कोलन के आगे लिखी होती है वो वैल्यू होती है, कोलन से पहले जो लिखी होती है वो की होती है, वो यूनिक होती है, वो किसी से मैच नहीं करेगी, एक की दूसरी की से मैच नहीं कर सकती, वैल्यू मैच कर सकती। तो ये कीज है नेम सैली और एज, हमने यहाँ चेक किया, बी इक्वल नेम इन डी, तो बी के लिए क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी ट्रू। बी के लिए क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब यहां लिखा सी इक्वल टू 50,000 इन डी, 50,000 है तो डी में, लेकिन वो की नहीं है, वो क्या है? वैल्यू है। ये 50,000 है, प्रेजेंट है, लेकिन ये की नहीं है, क्या है? वैल्यू है। यहां की चेक करता है, इसलिए सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आएगी फॉल्स। सी की वैल्यू फॉल्स आएगी, क्योंकि 50,000 प्रेजेंट तो है लेकिन वो की नहीं है, वो क्या है? वैल्यू है, इसलिए फॉल्स आएगा। इनमें अगर प्रेजेंट होती है की तो ट्रू आता है, नहीं प्रेजेंट होती है तो फॉल्स आता है। अगर नॉट इन लगा दें तो इसका उल्टा आता है, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स आएगा, अगर एब्सेंस है तो ट्रू आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए हमने बताया मैंने क्या, द इन एंड नॉट इन ऑपरेटर चेक फॉर मेंबरशिप ओनली इन कीज ऑफ डिक्शनरी नॉट इन वैल्यूज, यानी की को चेक करेगा वैल्यूज को नहीं। तो इसलिए हमने जब वैल्यू लिखी तो उसका फॉल्स आया, जब हमने 50,000 लिखा तो इन डी, डी में 50,000 प्रेजेंट तो है लेकिन वो एज ए की नहीं है, एज अ वैल्यू है, इसलिए वो फॉल्स आएगा। अगला क्या है, डिक्शनरी फंक्शंस एंड मैथड्स। अब कुछ डिक्शनरी फंक्शंस और मैथड बताए हैं। तो देखिए पहला क्या है, लेन फंक्शन। लेन सब में आया है, स्ट्रिंग में भी लेन आया है, टपल में भी लेन आया है, लिस्ट में भी लेन आया है, इसमें भी लेन। लेन का मतलब लेंथ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एक पेयर की बात है। यहाँ पर एक पेयर को एक एलिमेंट माना जाता है, की वैल्यू को एक एलिमेंट माना जाएगा, एक ग्रुप है वो, की वैल्यू कॉमा की वैल्यू कॉमा की वैल्यू, ऐसे होता है। तो जितने की वैल्यू पेयर्स हैं वो काउंटिंग होगी, जितने काउंट होके आएंगे वो लेंथ होगी, यानी की और वैल्यू अलग अलग नहीं काउंट होगी, की वैल्यू एक एलिमेंट माना जाएगा एक, फिर दूसरी की वैल्यू दूसरा, तीसरी की वैल्यू तीसरा, तो यानी जितने पेयर्स होंगे उतनी लेंथ होगी, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या है, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऑफ द डिक्शनरी, यानी की वैल्यू पेयर कितने हैं वो बताएगा, यानी ये लेंथ है। तो सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू लेंथ और डिक्शनरी नेम अंदर हो जाएगा। तो फिर इसका एग्जांपल देखिए, डी इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश
कॉमा सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40, फिर हमने कहा एज कोलन लेन ब्रैकेट में डी, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3। 3 क्यों आएगी, क्योंकि 3 पेयर हैं, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है और तीसरा पेयर ये है, 3 पेयर हैं, तो इसलिए 3 पेयर हैं, इसलिए इसकी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। देयर आर 3 पेयर्स इन दिस डिक्शनरी। ओके, अब अगला फंक्शन है गेट। गेट एक प्रकार से वैसे ही है चेकिंग, जैसे हम यूज कर रहे थे इन और नॉट इन, उसी तरीके से वर्क करके। तो इट इज यूज टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ गिवन की, यानी जो आपका एलिमेंट है वो बताएगा उस की का। तो अब देखिए कैसे बताएगा, इट इज यूज टू गेट द एलिमेंट ऑफ अ गिवन की, इफ द की इज नॉट प्रेजेंट पाइथन गिव्स एन एरर बट वी कैन स्पेसिफाई आर ओन मैसेज थ्रू डिफॉल्ट आर्गुमेंट। वो एरर आती है उसकी अपनी पर्सनल डिफॉल्ट होती है, अगर हम अपना मैसेज देना चाहें कि ये प्रेजेंट नहीं है, ये जो भी मैसेज देना चाहें तो हम दे सकते हैं, जब प्रेजेंट होगा तो दे देगा वैल्यू, नहीं होगा तो वो जो आप वैल्यू लिखेंगे मैसेज लिखेंगे वो आपका मैसेज आएगा, अगर नहीं होगा तो। देखिए कैसे वर्क करेगा, जैसे हमने लिखा इसका सेंटेंस क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम डॉट गेट और ब्रैकेट के अंदर की, फिर डिफॉल्ट जो आप अगर ना मिले वो की ना मैच करे तो क्या एरर आएगी, उसके लिए आप डबल कोड से सिंगल कोड में अपने वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखा हमने लिखा डी इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश कॉमा सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40, हमने कहा डी एज इक्वल डी डॉट गेट सैली, हम सैली चेक कर रहे हैं और हम यहाँ लिख रहे हैं की नॉट फाउंड, अगर की सैली नहीं प्रेजेंट होगी तो नॉट फाउंड होगा, तो लेकिन यहाँ सैली की है तो ये बता देगा वैल्यू कि सैली की वैल्यू क्या है, सैली की वैल्यू क्या है 50,000 है, सैली की वैल्यू क्या है 50,000, तो आपका आंसर 50,000 आ जाएगा। यानी किसकी वैल्यू आएगी, ये ए की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ए इक्वल ये ए की वैल्यू होगी, क्यों ए में जाएगी वैल्यू, सैली जो आपका की है उसमें क्या वैल्यू है आ जाएगी। अब अगला फंक्शन है आइटम्स फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है, आइटम्स फंक्शन। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ टपल्स। ये क्या करता है, जो हमारा डिक्शनरी है वो अलग अलग पेयर को एक टपल में डालता है, इन टपल रिटर्न होता है। अब कैसे वर्क करेगा देखिए, सेंटेंस क्या, टपल नेम इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम डॉट आइटम्स फंक्शन। अब क्या, डी इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश कॉमा सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40, जब हमने कहा टी इज इक्वल टू डी डॉट आइटम्स, फिर हमने कहा अब टपल बन के यहाँ इसमें आ गया टी में, फिर हमने कहा ए इन टी और प्रिंट ए, तो क्या होगा, 3 बार लूप चलेगा और ये वैल्यू 3 बार प्रिंट होगी, किसमें, टपल टपल फॉर्म में, तो पहले प्रिंट होगी नेम कोलन रमेश टपल है कॉमा रमेश, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरी बार प्रिंट होगा तो क्या होगा, आएगा सैली कॉमा 50,000, फिर तीसरी बार प्रिंट होगी एज कॉमा 40, 3 टपल आ जाएंगे। तो ये है प्रिंट होने का ये तरीका। ये अगला क्या है, कीज, इट रिटर्न ऑल द कीज। ये क्या करेगा, कीज क्या बताएगा, जितनी कीज है केवल कीज को रिटर्न करेगा और वो कीज जो होंगी वो लिस्ट फॉर्म में आएंगी, किस फॉर्म में आएंगी, लिस्ट फॉर्म में आएंगी। अब देखिए क्या करेगा, इट रिटर्न ऑल द कीज इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ कीज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट फॉर्म में आएंगी। अब इसका सेंटेंस देखिए क्या है, लिस्ट नेम इक्वल डिक्शनरी नेम डॉट कीज। अब जैसे इसमें देखिए हमने कहा डी इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश कॉमा सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40, हमने डिक्शनरी बनाई, फिर हमने कहा एज इक्वल डी डॉट कीज, तो ए में क्या आ जाएगा, तो जो ए बनेगा वो डिक्शनरी बनेगी,
सॉरी ए बनेगी, लिस्ट बनेगी, तो जो ए की वैल्यू होगी वो आएगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्या आएगा, पहला आएगा नेम, फिर कॉमा, दूसरा आएगा सैलरी, कॉमा, तीसरा आएगा एज, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा एक वैल्यू, ये हो जाएगी। यानी सारी कीज की जितनी तीन की हैं, एक नेम है, एक सैलरी है, एक एज है, तीनों लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी। किस लिस्ट में, जो ए लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी एज लिस्ट। अगला फंक्शन है वैल्यूज, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस लिस्ट फॉर्म। अब ये कीज क्या करता है, कीज को लिस्ट फॉर्म में देता है, और वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को लिस्ट फॉर्म में देता है। तो देखिए यहां क्या है, इट रिटर्न्स ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस लिस्ट फॉर्म। इसका सेंटेंस क्या है, लिस्ट नेम इक्वल डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज। अब इसका एग्जांपल देखिए, डी इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश कॉमा सैली कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40। जब हमने कहा बी इज डी डॉट वैल्यूज, जब बी डॉट वैल्यूज कहा तो वैल्यूज क्या करेगा, वैल्यूज आपका सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो किस फॉर्म में आएगा, डी यानी बी जो हमारा आएगा, बी की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, बी इज इक्वल टू लिस्ट फॉर्म में आएगा, पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है रमेश, दूसरी वैल्यू है 50,000 और तीसरी वैल्यू है 40। तो तीनों वैल्यू जाएंगी, वैल्यूज फंक्शन वैल्यूज लिस्ट फॉर्म में देगा और कीज फंक्शन कीज को लिस्ट फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ये आएगा बी वैल्यू रमेश कॉमा 50,000 कॉमा 40 आएगा। अगला फंक्शन है क्लियर, क्लियर फंक्शन, क्लियर फंक्शन क्या करेगा, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी डिक्शनरी। यानी क्लियर और डेल जो है दोनों अंतर है, जैसे डेल क्या गया, हम डेल डिक्शनरी नेम, तो डिक्शनरी भी गायब हो जाएगी, डिक्शनरी के एलिमेंट भी गायब हो जाएंगे और डिक्शनरी भी गायब हो जाएगी, डिक्शनरी बचेगी नहीं डेल से, लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी बची रहेगी, केवल एलिमेंट्स गायब होंगे। क्लियर से क्या होगा, सिर्फ एलिमेंट्स डिलीट होंगे, डिक्शनरी नहीं, डिक्शनरी एम्प्टी हो जाएगी, सारा डेटा डिलीट होगा, केवल सिर्फ डेटा डिलीट होगा, डिक्शनरी नहीं। लेकिन डेल से अगर डेल के आगे हम डिक्शनरी नेम भी देते हैं तो डेटा भी डिलीट होगा और डिक्शनरी नेम भी डिलीट हो जाएगा, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस है डेल और क्लियर में। तो इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी डिक्शनरी। सेंटेंस क्या है, डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, डी इज इक्वल टू वही नेम कोलन रमेश कॉमा सैलरी कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40। फिर हमने कहा डी डॉट क्लियर, फिर हमने कहा प्रिंट डी, जब हम प्रिंट कराएंगे तो डी प्रिंट होगी लेकिन एम्प्टी प्रिंट होगी। तो डी जो प्रिंट होगी वो केवल कर्ली ब्रेसेस आएंगे और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डिक्शनरी खाली है, एम्प्टी है, तो केवल कर्ली ब्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। यानी डिक्शनरी है, डिक्शनरी प्रेजेंट है, लेकिन उसका डेटा डिलीट हो चुका है। क्लियर से ये डिफरेंस है डेल के आगे, अगर हम लिखते हैं डेल और डिक्शनरी नेम तो डिक्शनरी का डेटा भी डिलीट होगा, डिक्शनरी भी डिलीट होगी, लेकिन क्लियर से डिक्शनरी बची रहेगी, उसका सिर्फ डेटा डिलीट होगा। अगला क्या है, अपडेट। अपडेट का मतलब है हम एक डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं दूसरी डिक्शनरी से, जो दूसरी वाली डिक्शनरी दी है उसमें जो कीज पहली वाली डिक्शनरी में प्रेजेंट होगा वो अपडेट होगा, और जो प्रेजेंट की नहीं होगी वो ऐड हो जाएगी, वो पेयर ऐड हो जाएगा, वो पेयर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन दूसरी डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, इट मर्जेज की कोलन वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इन टू द ओरिजिनल डिक्शनरी, एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड, द एलिमेंट्स इन द न्यू डिक्शनरी आर एडेड टू द ओल्ड वन एंड ओवर राइड एनी एलिमेंट ऑलरेडी देयर विद द सेम कीज। अगर उस नाम की की प्रेजेंट है तो वैल्यू ओवर राइड हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू गैप हो जाएगी, नई वैल्यू आ जाएगी, और उस नाम की प्रेजेंट नहीं है तो वो जो पेयर है वो ऐड हो जाएगा उस डिक्शनरी में। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, सिंटैक्स देखिए, डिक्शनरी नेम वन डॉट अपडेट और डिक्शनरी टू,
अब देखिए हमने लिखा D इज इक्वल टू नेम कोलन रमेश कॉमा सैलरी कोलन 50,000 कॉमा एज कोलन 40। दूसरी E लिखा हमने नेम कोलन सुरेश कॉमा सैलरी कोलन 75,000 और डेप्ट DEPT डेप्ट कोलन CS। अब हमने कहा डी डॉट अपडेट, तो जो डी में अपडेट होगी डी अपडेट होगी, ई डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं आएगा, ई वैसी रहेगी जो है, जो भी चेंज आएगा डी में आएगा, डी अपडेट होगी। तो डी कैसे अपडेट होगी, अब यहां पर नेम की प्रेजेंट है दोनों में, शैली भी दोनों प्रेजेंट है, तो नेम चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, रमेश की जगह सुरेश आ जाएगा और 50,000 की जगह 75,000 आ जाएगा, लेकिन एज वही रहेगी रहेगी और डीपीटी एक बढ़ जाएगा किसमें, डी डिक्शनरी में। तो जब हम आउटपुट आएगा तो आउटपुट आएगा आपका ऐसे, कैसे आएगा, डी जब प्रिंट होगी तो कैलिब्रेस के अंदर आएगा नेम कोलन रमेश की जगह क्या हो जाएगा सुरेश हो जाएगा कॉमा सैलरी, सैलरी बदल जाएगी 50,000 की जगह क्या जाएगी 75,000 हो जाएगी कोलन 75,000 फिर कॉमा आपका एज, एज है तो एज रहेगी कोलन 40। अब जो डेप्ट है वो नया है तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी ई पी टी कोलन सी एस, ये बंद हो जाएगी, ये पहली डी डिक्शनरी बनेगी। लेकिन अब जब हम प्रिंट ई करेंगे तो ई डिक्शनरी जो है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो जो ई डिक्शनरी प्रिंट होगी वैसे प्रिंट होगी, क्या होगा नेम कोलन सुरेश कॉमा सैली कोलन 75,000 कॉमा डेप्ट कोलन सी एस। अब अगले फंक्शन है मैक्स मिन एंड सम फंक्शन। ये मैक्स मिन सम तभी काम करेंगे जब न्यूमेरिक डेटा हो, कौन की, सारा खेल की में है, तो क्या है हमारी जो कीज है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए तभी ये मैक्स मिन और सम फंक्शन काम करेंगे। तो लाइक लिस्ट एंड टपल्स वी कैन अप्लाई द मैक्स मिन एंड सम फंक्शंस ऑन डिक्शनरी टू, लाइक अदर फंक्शंस दीज फंक्शंस वर्क विद द कीज ऑफ डिक्शनरी एंड दस फॉर दीज फंक्शंस टू वर्क द डिक्शनरी कीज मस्ट बी आप होमोजीनस टाइप्स, यानी जिससे भाई सम करना है या मिनिमम करना, मिन निकालना मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है तो किसमें न्यूमेरिक होगा तभी। तो ये क्या देखिए सिंटैक्स देखिए, वेरिएबल इज इक्वल टू मैक्स ऑब्लिक मिन और सम, कोई एक फंक्शन, तीनों में से एक फंक्शन होगा और ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी नेम होगा। अब देखिए क्या है, डी इज इक्वल टू वन कोलन वन स्ट्रिंग में, टू कोलन टू, थ्री कोलन थ्री, 4 कोलन 4 और E इज इक्वल टू 1.5 कोलन रमेश कॉमा 4.5 कोलन सुरेश कॉमा 2.5 कोलन दिनेश। अब ये वैल्यूज कैसे आएंगी, A इज इक्वल टू मैक्स, तो A को लो क्या आएगी, A की वैल्यू आएगी D में मैक्सिमम क्या है, D में मैक्सिमम क्या है की में 1, 2, 3, 4 है तो मैक्सिमम क्या है D में आएगा 4, D में मैक्सिमम क्या आएगा 4 आएगा, फोर है। फिर अगला क्या है, b इज इक्वल टू मीन, तो b में मिनिमम आएगा, b में मिनिमम क्या है 1 है, 1 आएगा। फिर क्या है c, c में सम है तो सम इज इक्वल टू ऐड होगा 1 + 2 = 3, 3 = 6, 6 + 4 = 10 तो सम आएगा 10। अब अगला जो है, अगला जो है ई में है, ई में 1.5, 4.5 और 2.5 में होगा, तो मैक्स क्या करेगा, मैक्स में यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी बड़ा कौन सा है 4.5 तो 4.5 होगा, और वाई की वैल्यू, वाई में क्या आएगा, वाई में मिन है, मिन सबसे क्या है 1.5 तो 1.5 आएगा,
और जेड में क्या होगा, सम होगा, तो सम करेगा तो 1.5 प्लस 4.5 क्या आ जाएगा, 6.0, और 6.0 यानी 8.5, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 8.5, यानी इसको जोड़ेंगे क्या क्या है, 1.5, 4.5 और 2.5, जोड़ ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2 2 4 4 4 8 8.5, तो ये आपका होगा, तो सम क्या आएगा 8.5। तो ये है आपका मैक्स मिन और सम फंक्शन। अभी डिक्शनरी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके बचे हुए फंक्शन हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया बचे हुए वर्किंग विद डिक्शनरीज में, अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, फिर बताया मैंने चेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ अ की, फिर बताया डिक्शनरी कुछ फंक्शंस बताए, डिक्शनरी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन बताए, लेन फंक्शन, गेट फंक्शन, आइटम फंक्शन, कीज फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन, क्लियर फंक्शन, अपडेट फंक्शन, मैक्स मिन और सम फंक्शन। अभी हमारी डिक्शनरी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे बचे हुए फंक्शन हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में भी जाकर अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत ही गड़बड़ बात है, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है उसमें जाके ऑल करें, जिससे क्या होगा जो इससे पहले वीडियो आ चुके हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो नए नए वीडियो आते रहेंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, उससे क्या होगा अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सिर्फ आपको करना है वीडियो देखनी है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने जानने वालों को जिनका आप भला चाहते हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिले, जिससे वो भी पढ़ सकें। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब भी आप वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो देखना मतलब कन्फ्यूजन होना, क्योंकि अधूरा देखेंगे कन्फ्यूजन होगा। तो और अगर कोई चैप्टर है वो पार्ट्स में है तो पार्ट वन पार्ट टू एंड सो ऑन ऐसे करके देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहेंगे, फिर आपको लगेगा कि गड़बड़ है। तो इसलिए जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, और अगर पार्ट्स में है तो पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री करके देखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बाकी बचे हुए डिक्शनरी फंक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।